बुलंद शहर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के दो सदस्य को गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस ने दोनों बाइक चोरों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब यह चोरी की बाइकों को बेचने के लिए जा रहे थे। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है, किस गिरोह के सदस्य? कल कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि मामन रोड पर वाहन चोरों का एक अंतर्राज्यीय गैंग वाहन को चोरी के वाहन को बेचने के उद्देश्य से घूम रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहा। विस्तृत पूछताछ करने पर इनसे 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ भी जारी है। कुछ मोटरसाइकिलें इसमें से दिल्ली से भी चोरी की गई हैं और कुछ मोटरसाइकिलें बुलंदशहर से चोरी की गई हैं। शेष अभियुक्त की तलाश की जा रही है और इनसे विस्तृत पूछताछ करके शेष मोटरसाइकिलें कहाँ कहाँ बेची हैं और कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जाए। सर, क्या बुलंदशहर जिले में आज से पहले भी इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? पुलिस की गिरफ्त में हापुड़ के रहने वाले अभिषेक और मोहित हैं, जिन पर बुलंदशहर, दिल्ली और गाजियाबाद से बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलने के बाद उन्हें बेचने का आरोप है। दरअसल अभिषेक और मोहित अपने एक साथी के साथ चोरी की बाइकों को बेचने के लिए बुलंदशहर आए थे। मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को धर दबोचा। पुलिस बाइक चोरों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। पुलिस ने फरार गैंग के सदस्यों का तलाश अभियान शुरू किया। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।